विश्व गुरु था भी तो गौतम बुद्ध की वजह से था, सिद्धार्थ की वजह से था, इनकी वजह से नहीं था। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जहाँ जो पार्टी मजबूत है अपने छोटे दलों के लिए जो है ना थोड़ा थोड़ा सीट छोड़ देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज बसपा जैसे ही शामिल होगी इंडिया गठबंधन में तो यह तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। अब इसके लिए यह भी जरूरी है कि बहन जी को समझना होगा कि ये जो विकल्प है ये बसपा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। ये आपके सर्वाइवल का भी सवाल है कि अगर बीजेपी इस बार जीत गई तो आपकी पार्टी बचेगी, आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पहले आप ही तय कर लीजिए। हम लोग का तो छोड़ दीजिए, हम लोग का जो होना होगा। नहीं हुआ जाति जनगणना तो जातिवाद नहीं बढ़ा है आप क्या? अभी ज्यादा हो सकता है। नहीं, आप जो है ना बाघ से बिल्ली बकरी सब गिन रहे हैं, तो आपको कोई पॉलिसी बनाना हो, आंकड़े आप रहेंगे तब ना, ये हवा में बनाओ। सर कांग्रेस के नेता आचार्य कृष्ण, उन्होंने कहा कि बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, बसपा को गठबंधन में लाना बहुत जरूरी है। ये तो अभी वो कह रहे हैं, मैं तो कितना दिन से कह रहा हूँ, जिस समय इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई थी मैं तो उस समय से ही कह रहा हूँ कि भाई बसपा को भी अगर अपना सर्वाइवल चाहिए, ठीक है, अगर बीजेपी को हराने में इंटरेस्टेड है तो आप बसपा गठबंधन में आए और सभा भी आए। ये तो हम शुरू से मेरा स्टैंड है, लोग मेरी बात से सहमत नहीं होते, मुझे गालियां भी पड़ती है, लेकिन ओरिजिनल बात यही, बगैर समझौते के इंडिया बनाम एनडीए लड़ाई जब होगा ना, सब विपक्षी एक साथ आएगा एक मंच पर, तब जाके लड़ाई सही होगी ना। तो सर क्या वजह है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही है? क्या मायावती जी इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ रही है? अब इसका जवाब तो बसपा के प्रवक्ता देंगे ना, मैं कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा कि बसपा एक विकल्प है। नहीं नहीं, मैंने कहा कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए तभी बीजेपी को हरा पाएगी। अब बसपा क्यों नहीं आ रही है तो बसपा का नेता आपको बताएगा ना। नहीं, हमने कांग्रेस से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था, हमने जब बात प्रवक्ता से बात की थी उन्होंने कहा था, हमने कहा आपने मायावती जी को क्यों नहीं लिया इंडिया गठबंधन में, जब सबको लिया तो उन्होंने वो खुद नहीं आना चाहते। उनसे वो जवाब वो जानते हैं ना, मैं कांग्रेस के नेता से मिलता हूँ ना बीएसपी के नेता से मिलता हूँ, तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ कि यार अंदर क्या चल रहा है, किसके साथ किसका किसकी बातचीत हो रही है, कौन कहाँ डीलिंग हो रहा है सीट पे। अभी तो पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जरा इसका रिजल्ट देख लीजिए। जी सुनो जी, ऐतिहासिक बोलिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बात समझना होगा कि जनता पार्टी की विजय तब हुई थी जब बाबू जगजीवन राम के सीएफडी ने, यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जनता पार्टी के साथ जैसे ही आ गई थी मुकम्मल रूप से उत्तर भारत में जनता पार्टी की जीत हुई थी। आज बसपा जैसे ही शामिल होगी इंडिया गठबंधन में तो यह तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। अब इसके लिए यह भी जरूरी है कि बहन जी को समझना होगा कि ये जो विकल्प है ये बसपा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी और वो भी इस देश के अग्रिम आगे 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 चलकर और सत्ता में भागीदार बनेंगे। इसलिए हम अपील भी कर रहे हैं बहन जी से कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुकम्मल अपना प्रयास करें। बसपा ने पहले क्लियर कर दिया है कि वो किसी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये स्टैंड बदल सकता है, कोई भी चीज़ राजनीति में अंतिम वाक्य नहीं होता है। बहन जी को जब पता चलेगा, और ये पांच राज्यों के चुनाव के बाद मैं समझता हूँ कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। सर चर्चा ये भी है कि हो सकता है मायावती जी बीजेपी को एंड टाइम पे समर्थन दे दें। मैं इसकी दूर दूर तक कोई नहीं समझता हूँ कि ऐसा होगा, वो अगर शामिल होंगी तो इंडिया गठबंधन के साथ ही शामिल होंगी। उसमें अगर ऐसा होता है ना तो दलित समाज के लिए आत्महत्या से बड़ा कुछ नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। इसमें कोई खुश हो नाराज हो, हमारा काम किसी को खुश नाराज करना नहीं है। और सर गठबंधन की बात हम लोग कर ही रहे हैं, लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जब राज्य स्तर पर बात आती है तो वहाँ मामला डिगमगा जाता है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल लीडर हमें प्रवक्ता नहीं, उन्हें अध्यक्ष किसी पार्टी का, कि सब लोग भाई सर्वाइवल का सवाल है ना सबके। और मैं तो ये समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जहाँ जो पार्टी मजबूत है अपने छोटे दलों के लिए जो है ना थोड़ा थोड़ा सीट छोड़ देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उस समय मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, उससे पहले लोकसभा हुआ था, उस समय भी पहले से हम लोग कह रहे थे कि सपा बसपा गठबंधन हो जाएगा, पहले से तो लोग मुझे ही गालियां देते थे। हमारा काम, सुनिए, हम नेता नहीं, हम लोग पढ़ते लिखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, हमारा काम आपके सोच के बियॉन्ड देखना है, उसका एनालिसिस करना है कि ये आपके सर्वाइवल का भी सवाल है कि अगर बीजेपी इस बार जीत गई
तो आपकी पार्टी बचेगी, आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे पहले आप ही तय कर लीजिए, हम लोग का तो छोड़ दीजिए, हम लोग का जो होना होगा वो लड़ ही रहे हैं 10 साल से। तो ये आपके सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी सवाल है। ये बात अगर नहीं समझेगा वो, तो मैं तो घूमता हूँ पूरे देश में जहाँ तहाँ जाता हूँ। जनता जनता जो है वो चाहती है बीजेपी हारे, और नेता अगर या पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने ईगो और स्वार्थ से अगर समझौते नहीं करते हैं, अगर हारती है, तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य होगा। पर राज्य स्तर पर मामला गड़बड़ हो जाता है ना, जैसे अखिलेश अभी नाराज हो गए थे, देखा नहीं आपने कहा? ये ना, हम लोग का काम नेता की तरह, चाहे पब्लिक जैसे हुआ हुआ करते हुआ हुआ नहीं करूँगा ना भाई। विधानसभा चुनाव के समय हमने कहा था कि भाई 5 सीट चंद्रशेखर को देके एकोमोडेट कर लेना चाहिए, मैंने लिखा था ना, मुझे गालियां पड़ी, यादव भी गाली दे रहा है, ये भी गाली दे रहा है, बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे लोग, 5 सीट अगर दे दिए रहते तो माहौल कुछ और होता ना। उसे हार गए चुनाव, जीतते जीतते हार गए, तो ये तो कही रहे कि भाई अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस है तो उनकी रणनीति क्या है, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी। सर उत्तर प्रदेश एकदम होना चाहिए, तो शायद आप पहली बार मेरे से बात कर रहे हैं, हम लोग कितने 10 साल से ही चल रहा है जाति जनगणना कराओ। नहीं नहीं, ये इस पे मैं बताता हूँ, बिहार में जो हुआ है वो जाति सर्वे हुआ है, और जो केंद्र में अभी रोका गया है, चूंकि जाति जनगणना की मांग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जो जनगणना होती है, जो सेंसस कमिश्नर करते हैं, उसको रोका गया है। उसमें निश्चित तौर से जाति जनगणना होनी चाहिए, और महिला आरक्षण में भी OBC महिलाओं को और दलित और ST को अलग से उसमें महिला आरक्षण में भी स्थान मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांग रही है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हम इस मांग को लगातार करते आ रहे हैं। जातीय जनगणना से जातिवाद नहीं बढ़ेगा क्या? अभी आपको लग रहा है कि नहीं हुआ जातीय जनगणना तो जातिवाद नहीं बढ़ा है? आप अभी ज्यादा हो सकता है, नहीं आप जो है ना बाघ से बिल्ली बकरी सब गिन रहे हैं, तो आपको कोई पॉलिसी बनाना हो, आंकड़े आप रहेंगे तब ना, ये हवा में बनाओ। 10% अगर ये जनऊ आरक्षण मिला तो ऐसे हवा में मिल गया ना, जाति जनगणना से कैसे जाति बढ़ेगा? जाति ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग यहाँ जो लड़ाई लड़ रहे हैं किस चीज़ की लड़ाई है? जातिवाद नहीं दिख रहा है, एक ही जाति के लोग सारे इंपॉर्टेंट पोजिशंस पे, जाके किसी स्टेट का सर्वे कर लीजिए, बाई चांसलर एक ही जाति के लोग तमाम मिलेंगे, प्रोफेसर यही मिलेगा, जानबूझ के ST OBC को दबा के रखेगा, ऑलरेडी है, उसको आंकड़े सामने लाओ कि किस जाति के पास कितना माल छुपा है, कितने पैसा है, कितना उसका सरकारी नौकरी में, किसके घर में कितने कार है, ये लाओ, इससे जातिवाद बढ़ेगा नहीं, बल्कि और स्वस्थ समाज बनाने के और ये कदम होगा। नहीं, जातिवाद की ये स्थिति है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रशासन में एक भी SC, एक भी OBC, एक भी ST नहीं है, तो क्या अगर जनगणना हो जाएगी तो इससे जातिवाद बढ़ जाएगा? ये आज जो डॉक्टर रितु जो ये झेल रही हैं, जो समस्या उनके साथ है, वो इस वजह से है कि जो उनके विरुद्ध हैं वो भी महिला हैं, लेकिन एक जातिवादी महिला है, और उस जातिवादी मानसिकता के तहत डॉक्टर रितु को निकाला गया है, और वही स्थिति डॉक्टर रतनलाल की भी है हिंदू कॉलेज में, वहाँ भी महिला प्रिंसिपल है, सवर्ण महिला है, और जातिवादी मानसिकता के तहत इनके प्रमोशन को रोका गया, तो ये जातिवाद नहीं बढ़ेगी। जातिवाद 15% अपर कास्ट बोर्ड है, वो बगावत पे उतरा है, वो विरोध कर रहा है, जैसे 85% जब बगावत पर उतरा जाएगा तो तब क्या होगा? आप बगावत अभी वो करने आता है खाली, वो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, करने दीजिए, तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, हम थोड़ी मना करेंगे, वो भी करें। जी बोलो। जो केंद्र की सरकार है वो उसका कहना है कि देश की गोबर छाप जो है ना, कुंजी छाप तो प्रोफेसर और प्रिंसिपल वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, ये विश्व गुरु बनेंगे, ये आपको नहीं दिख रहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की तैयारी है? और आप जैसे लोग, सब लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप बंद कर दो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल सब, विश्व गुरु क्या बनेगा? कभी नहीं था, विश्व गुरु था भी तो गौतम बुद्ध की वजह से था, सिद्धार्थ की वजह से था, इनकी वजह से नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो विदेश में क्यों नहीं राम का नाम लेते हैं, मनुस्मृति का नाम लेते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो अगर भारत महान है तो बुद्ध की वजह से है और किसी की वजह से नहीं। लेकिन सर वो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी बांटने कह रहे हैं, बंगले बांटने कह रहे हैं, फ्लैट बांटने कह रहे हैं, जमीनों का बंटवारा होगा, तो इस बात से तो डर रहे हैं ना लोग। नहीं नहीं, तो भाई देश में तो सबका हक है ना, ये कैसे हुआ कि एक आदमी देश का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने? कहाँ से लाया पैसा? हो इस देश के मजदूर की कमाई से वो पैसे बने ना, तो मजदूर को नहीं चाहिए मेहनत? हम लोगों ने मेहनत, वो क्या करेगा फैक्ट्री में जाके कोई क्या काम करता है? कोर्ट में अडानी बैठता है कि वहाँ लोग काम करते हैं ना, लोग की वजह से ये सब होता है।
सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं तो दलितों का भी और पिछड़ों का भी वोट उनको नहीं चाहिए, वो ईवीएम से ही वोट ले लेंगे, ये तय है। पॉलिटिकल पार्टी तैयार हो, अब पॉलिटिकल पार्टी जबरदस्त इसकी लड़ाई लड़े, हम लोग का जितनी औकात है उतना लड़ी रहे। मतलब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? हाँ, मशीन में, कोई भी मशीन में गड़बड़ी, जब आदमी के दिमाग में गड़बड़ी है जब दिमाग में ही गड़बड़ी है तो मशीन में क्यों नहीं हो सकता? पर मोदी जी कहते हैं डंके की चोट पे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। वो अकेले वही कह रहे हैं। दिखा दे पहले ईवीएम, छोड़ दीजिए, पहले अपना डिग्री दिखा दीजिए ओरिजिनल वाला। तो आपको लगता है कि वॉलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए? एकदम होने चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं कि नहीं होने चाहिए। ईवीएम से हो रहा है तो एक महीना बाद काउंटिंग क्यों होता है? समय तो इसमें भी लग रहे हैं, वैसे तो इसमें भी खर्च हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो विपक्ष इस चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? जाकर विपक्ष से पूछिए।